अभी नहीं मिस होगी। कैसे हो? क्या हाल है? मेरे पास अपना ही बहुत सामान। चलो अपनी चीजें तो उतार लो। मोटरसाइकिल खरीदवाई। आप लोग के बाइक का उल्टा आ जाता है, नहीं, वो फ्रंट के साथ होता है और उसकी भी रोटेशन की डायरेक्शन ऐसी होती है, ट्रेड की डायरेक्शन उल्टी होती है। ये रहा जी रोटेशन, ये आप सिर्फ रिवर्स में चलाएंगे, ठीक है? इसमें रिक्शे वाला गियर है और रिवर्स में आपने पढ़ लिया। नहीं नहीं, ये किसी ने जिसने एग्जॉस्ट, ये तो जिसने असेंबल किया, एग्जॉस्ट माउंट किया उसने शायद। नहीं नहीं, सब कुछ उतारा होगा, गलती में कर दिया होगा। नहीं, वो मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करेगा। टायर तो उल्टा, वो एग्जॉस्ट ये उल्टा, ये नहीं, बाइक्स में काम करने के लिए उतारते बहुत कुछ। अच्छा, उतारते तो है लेकिन टायर का रबड़ गुटी कैसे चल गई, ये तो उधर नहीं जा सकता ना। अगर ये टायर किसी ने उतारा, हां लगाते हैं ऐसे। आए तो कैसे फिलहाल, ये कैसे फिट होगा? दो साल आपस में दूसरे को पड़ गए हैं, ये कैसे फिट होगा? वो सब कुछ अलग है, टायर अलग आता है, वो रिम उल्टा हो सकता है गाड़ी, इसमें इस केस में हो सकता है गाड़ियों में, और नहीं होता, नहीं हो सकता। हम करके ट्राई करेंगे, बस ये बोल, जब हम खरीद लेंगे ना, नहीं टायर उल्टा लगाना ट्राई, सीधा लगाना ट्राई, नहीं। जो बहुत बड़ी बाइक्स है ना, जो बहुत बड़ी बाइक्स, उनका ये फ्रंट उल्टा रखते हैं, वो ब्रेक का कोई साइंस है इनकी, बाइक्स की ओनली, गाड़ियों की नहीं। और ये इसकी वो एडजस्ट हो सकती है ना, सस्पेंशन कितनी सॉफ्ट, कितनी हार्ड। वैसे आज ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है पिछले विजिट से, ये कैसे है? मुझे पिछली दफ़ा इतना नहीं अपील किया था, इतना इस दफ़ा कर रहा है कि ठीक है यार, मैचिंग भी है शर्ट से। यस, बैग नहीं लगेगा, वो मैगनेट बना नहीं लगेगा। इस पर वो बंजी कॉर्ड्स के साथ आप वैसे बैग तो बांध सकते हो, नहीं बांध, मैंने कभी वैसे वो किया नहीं, वो करूँगा मैं। हाँ, वो जो फ्रेम के साथ स्टार्ट ऑफ तो, यानी ये टूरिंग के लिए फिर ठीक है। बैग आपने यहाँ पे रखा है, उसको आपने बंजी कॉर्ड्स के साथ इसके साथ, यानी डिफरेंट टायर्स, अ बिट ऑफ ऑफ-रोड कैपेबिलिटी, लेकिन यस यू कैन गो। वैसे हमने इतनी ऑफ रोडिंग तो की नहीं है, मेरे ख्याल है दिस इज मोर देन इनफ। ये हमारा तो बिल्कुल नहीं है, हमारा हाँ हाँ, वैसे इन जनरल हाँ, अगर आप जाते हो आगे तो अदरवाइज नहीं, हमारा तो बेहतरीन है। वो दानियाल ने वो लगवाई है ना, वो जो बेसिकली वो स्क्वायर उसके वो आते हैं, वो ऑफ रोड रोड का मतलब 50-50 है, वो आप लगवा सकते हैं इसमें। मैं वो जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक बाइक का इनकार हुआ है, उसको उस ग्रुप से बात कर रहा था कि ऐसे मैं अपनी वारंटी बुक नहीं लाया, तो उन्होंने कहा आपका स्कूटर जो कि खुद ज़ीरो हो जाता है, उसमें कोई बिजली का मैलफंक्शन है शायद, तो हम वो नहीं ठीक करके देंगे, आप वारंटी बुक लें। तो इस वक्त हम अपना स्कूटर लेके दूसरी मोटरसाइकिल लेने आ गए। वारंटी बुक कहाँ गई? वो आप, मुझे था आप लोग जल्दी आ रहे हैं तो मैं नहीं ढूंढ सका। अच्छा, आपकी वजह से मैं छोड़ आया, क्योंकि मुझे तो आपको सही हो रही है, अगला जड़ा कारण सही कर, पेन फील होगी अगर मैं ना पहुंचा तो, और डिसीजन नहीं होगा आपसे। सुबह 9:30 उठे नहीं, 8 बजे सानू पेन फील होगी, जरा मेरा नाश्ता मार देता है तो मेरा खाना।
अभी मेरे से पा रहे हो। नहीं भाई मेरी गलती है। मेरे से पा रहे हो। कार्मा इज अ बिच। इसीलिए बाइक इलेक्ट्रिक बाइक में मसला हो रहा है। कार्मा इज अ बिच। आपका सुपर शिटार नीचे जा रहा है। सुपरस्टार ये जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना क्या पता आप दो साल बाद आरिफ के साथ आए और हाया बूसा और एच टू आर्स की बातें हो रही हैं। यू नेवर नो यार आज यू आर मूविंग अप द लैडर्स। ये क्रेडिट उसको जाता है ना रेहान को 250 सबसे पहले वो लेके। मैंने कहा आप तैयब को क्रेडिट देंगे कि उसने आपको बाइक लेके दी उसके बाद आप बाइक की दुनिया में आए लेकिन आप आगे रेहान पे चले। वो तो बाइक की दुनिया में ना बाइक की दुनिया में जैसे यानी कि अगर रेहान भी चला गया और इन्होंने भी खरीद लिया प्रेशर हम पे। आपने ले लिया ना इलेक्ट्रिक। हम 150 cc वाले। आपने ले लिया इलेक्ट्रिक यार उस पे यहाँ आते हुए बंदा कुछ लोग ऊपर जाते हैं कुछ लोग रिवर्स गियर लगाते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है। अभी पूछे उमर भाई से लीटर में कितने करता है। ये करता है तकरीबन 30 करता होगा। की बुरी बात क्या है उस कब आपको पता है मुझे अपने सुजुकी का नहीं पता कि वो ऑप्टिमम पे है कि नहीं। ये नहीं बात करने देंगे। या GSXR लेना यार आपको नहीं पता ना ये दोस्तियां शोस्तियों में करना पड़ता है। हां दो तो माफ किया है नहीं सॉरी माफ यू डोंट नो दिस माफ। लेकिन फिर उससे कौन है यार जरा ब्लैक और ग्रे की भी गेम डाल गेम की हम बाद में डालेंगे सर देख लो चलना भी है कि मुझे हाथ का इशारा करना पड़ा इसमें बैठने के 500 रुपये। ये तस्वीर आपने ले ली पहले उड़ गए। यू आर स्लो यार एक फुट की सीरे ना क्या इसी यार रिलैक्स लेना है पौने 250 cc बैठने के लिए सीरे और कोई तस्वीर अच्छी नहीं लेते। इसका एक जवाब है वो रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए मैं बाद में दूंगा पौने 250 के वो अपलोड भी कर देते हैं इसका मैं क्या अपलोड कर देता विदाउट सेंसर। उसके दरमियान कहीं पर घुमा हुआ आपने खुद ही तारीफ की अच्छा है यार ये प्रीवियस और न्यू बाइक और वापस कितने ही है बस एक
लिसन टू बाइक साइज। मुझे एक बाइक ये भाई बाइकर बाइक ये बाइक्स में इन ही नहीं था, इसको जबरदस्ती दिलवा दिया गया, अब इसको शौक डाल। तब आप कह रहे थे कि ये हम गलत शौक डालते हैं लोग। वो रेस लगी होगी टीएनटी, मुझे चलता ही नहीं है। लेकिन वो आपकी बात है कि मुझे क्योंकि इसकी आदत है ना, अब उसे बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे वो टर्न लेने में, क्योंकि एकदम टर्न रेडियस खत्म हो गया था। तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू दिस बाइक, इट्स अ डिफरेंट फील, इट्स अ डिफरेंट गेम। मैं क्या कह रहा था वो हैंडल भी सारी बात चली। हाँ भाई जान, आपका अपना साइज और बाइक का साइज ठीक लग रहा था, अप्रोप्रिएट था। अभी सूट्स यू, वन ऑफ द रीजन आई सोल्ड दैट बाइक वो है 150 ना। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत छोटा लग रहा था, ये आपको बहुत सूट कर रहा है। हाँ वी लॉगर की बारी इसमें पता नहीं है बैटरी या फ्यूल है कोई नहीं पता। ये बैटरी तंग करती है, 100 का डाल दो। टेस्टिंग बाइक इश्यूज बा खत्म हो गए, कॉइन खत्म हो गए। नहीं नहीं मोड़ रहे हैं वो कॉइन खत्म, आज का खत्म पेट्रोल, पेट्रोल खत्म। एक्सेलरेशन में थोड़ा वीक है भाई ये। हाँ हमें इनसे यही पूछा था कि आपने कहीं वो EFI का तो नहीं किया हुआ, उसके साथ तो नहीं कंपैरिजन करे, जो EFI के कंपैरेटर्स हैं उनकी डेफिनेटली पिक बहुत बेहतर है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा गला खराब है। टॉम क्रूज साहब जाइए यहाँ से, जाके लेफ्ट लेके ऊपर से आए, ये नहीं मुड़ेगा यहाँ से। मैं रावण डैम जाएंगे, ओका चित्र खास जाइएगा, उसको ये नहीं पता कि इसका गियर कहाँ पे, आगे लगते हैं पीछे लगते हैं, आगे लगते हैं। आपने उठा ऐसा लड़का तो नहीं था, लड़का है मेरा भी ख्याल है वहीं से आया है। नहीं ना, ये तो सामने टर्न ले रहा होता तो सामने से आ चुका होता। हेलमेट पहना करें, बहुत बड़ा ले तो ये यही कर रही है राउंड, इसका बड़ा इवो ट्रू एवोल्यूशन। हल्का सा स्लो फील हो रहा है वो
मे भी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, वो मेरा कसूर हो सकता है, लेकिन गलियों में चलाने वाला नहीं है ना अगर आप टूर के लिए। अब ये हाँ उसमें क्या करता है वो नहीं पता, लेकिन ये है कि दूसरे दूसरे गियर में इसको खाने का मज़ा बड़ा बड़े मज़े से उठता है, टॉर्की है which is a good thing. अच्छा ये बताएं इसका क्लच बिल्कुल एंड पे जाके छोड़ो, वो एडजस्टमेंट है, नहीं वो एडजस्टमेंट है, लेकिन आप वैसे क्या प्रेफर करते हैं? मुझे बहुत नहीं जरा करीब होना चाहिए। कुरान भाई ने कहना है अभी देने के पैसे बताएं अभी राइट नाउ, जिस तरह हमने स्कूटर भाई आप मुझे नवंबर में दिलवा रहे हैं आपने वादा किया, जिस तरह हमने स्कूटर दिलाया वैसे ही वादा इन्होंने मुझे ना स्कूटर ग्लासकोट कराने का किया था, ये वैसे वादे ऐसे वादे हम करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसका एग्जॉस्ट उधर जाए, टायर सीधा हो जाए, थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाए यार, नाइस बाइक खरीदने वाला भाई। वो थ्रॉटल ट्विस्टिंग जो है ना इसकी वो पावर नहीं है, यानी ऐसे किया तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है उतना, रिस्पॉन्सिव नहीं है सी एफ की वो है ना, अभी जो जिस हालत में खड़ा है फ्यूल ऑलमोस्ट डेड है, बैटरी चार्जिंग ख़त्म है, छोटा थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। नहीं नहीं ये तो मैंने भी फील किया था, ये तो मैंने भी फील किया था कि एग्जॉस्ट वो अलग सा लगा हुआ है, जो कि लोग 600-700 में लगाते हैं ना, वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है इतने से इंजन का, तो बैक प्रेशर तो है ही कोई, इस पर स्टॉक एग्जॉस्ट लगाओ इसकी ज़रूर इनिशियल में फर्क पड़ेगा, बेहतर बेहतर होगी। इसकी अच्छी बातें तो बहुत, गलत बात क्या, गलत बात यह कि चाइना का है, चाइना का है, वैसे वाकई ये यहाँ पे लिमिट होगा, ये लिमिट हो रहा है और ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उधर उधर में किया, ये क्या हुआ है इसकी क्यों नहीं नहीं एडजस्ट क्यों करना है, एडजस्ट यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीबी को तो यूं बोलो सीबी यूं टायर चौड़ा है। दूसरी बात यह है कि उमर भी कह रहे हैं कि अगर आपने फ्यूल एफिशिएंसी नहीं चाहिए आपको तो उसमें कार्बोरेटर चेंज होगा और ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। 117 अभी इसकी टॉप स्पीड है टेस्टेड, टॉप इज़ वन थिंग, जैसे आरएफ को कंप्लेन है कि इनका जो टीएनटी था बिनेली बिनेली वो बड़ा अच्छा था 150, लेकिन भागने में वो सब बाइक से कम तक वेट वगैरह की वजह कहीं वो भी इसमें तो नहीं है। वैसे बाइक में फास्ट एक्सेलरेशन तो आपकी डिमांड है भी, बाकी तो अच्छा है बाइक, शॉक्स वगैरह भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कम है तो फिर टॉप स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन खैर वो भी मैंने कभी नहीं मारनी, मेरा है ही यही 50 से 80 के दरमियान। जो बाइक है ना वो जो बाइक है जो मैं चला के लगा उसकी टॉप स्पीड क्लेम की जाती है 120, मतलब 120 भी वो कहते हैं 118 इस तरह, और मैंने 135 उस पर टच की। वो बहुत भागता है यार, वो अनरीजनेबली ज़्यादा भागता है, मुझे समझ नहीं आती है वो जो बाहर खड़ा हुआ है, फ्रीडम हाई स्पीड तो क्या पता इसको ये भी हो तो क्या पता इसको भी हो, एक आर्गुमेंट जो मैंने ये पीछे ड्रम है इस वाले बाइक में ना, नहीं डिस्क है अगर के मंगा रहे सकती में आने ग्रैंड ग्रीन हो गया, लेकिन इसमें एक और कलर है तेल है इसका किस चीज का और लाला इसकी पीछे होती है। अच्छा वही मैंने अभी वो हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना उसमें दोनों आ गए अच्छा, लेकिन हैंडलिंग बहुत अच्छी है, टर्न बहुत बुरा है और मेरे लिए वो राइड हाइट उसकी बहुत अच्छी है, वो ही नहीं सकता बहुत छोटा रिस्ट्रिक्टेड टर्न बहुत बुरा है, उसकी रीजन वेरी निंबल क्योंकि सुपर बाइक वाला टर्न है, ये जो हम लोग हैं ना छोटी हाइट वाले हमारे लिए ये भाई बड़ा भाई इसकी हां गेट पर, मुझे उसमें फ्रीडम में अच्छा लगता है बिल्कुल। How are you feeling?
देखिए बाइक आ जैसे अब वही है कि अब इंतज़ार शुरू लेकिन एक्साइटमेंट है नो डाउट देयर इज दैट एक्साइटमेंट यस वेयर इज द पार्टी ओए हमारी पार्टी हो रही है आपको बताया जहां मर्जी चले हेड द वे जहां मर्जी ये तो बहुत बड़ी ऑप्शन है भाई ये तो बड़ा सोचना पड़ जाएगा इतने बड़े फैसले बाइक का तो छोटा फैसला था वो तो मैंने ले लिया मैं ये कह रहा हूं अब खाने का फैसला ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है मेरे खाने या रात को फिर खाने हां वैसे ये भी है रात भी हो सकती है बाकी भी रात में बाकी के भी आ जाएंगे बाकी भी आ जाएंगे चलो फिर अभी निकलते हैं हाँ अभी निकलते हैं रात में कर लेते हैं आंखें धो लेना सारे अपने मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है बाइक फाइनली ख़रीद लिया गया अब इंतज़ार करेंगे कि वो आता कब है और उसकी कैसी हालत होती है वो फिर अब देखेंगे तो पता चलेगा लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि इट विल बी अ गुड डिसीजन और आज तो मैं खैर इस पर आया हूँ 70 जिंदाबाद ओके अल्लाह हाफिज़ मैं तो खूबसूरत हूँ।